हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अर्पणा है। मेरा सिलेक्शन 2013 में 53rd to 55th बैच में सब रजिस्ट्रार के पोस्ट के लिए हुआ था। सबसे पहले मैं दिल्ली नॉलेज ट्रैक को थैंक्स कहना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया और इस तरह के वीडियोस को संग्रह करके पब्लिक प्लेटफॉर्म पर लेकर के आए। एक्चुअली प्रिपरेशन के बारे में कैसे की जानी चाहिए इसकी वीडियोज़ तो बहुत सारी मिल जाएंगी, पर डिफरेंट सर्विसेज में कौन सी सर्विस कैसी है, उसका जॉब प्रोफाइल क्या है, वर्क प्रोफाइल क्या है, इस बारे में बहुत कम ही लोग बता पाते हैं। और ये इन्होंने इनिशिएटिव लिया है, इसके लिए ये सच में बधाई के पात्र हैं। सबसे पहले मैं कुछ अपने बारे में बता देना चाहती हूँ। मेरी स्कूलिंग इंदिरा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय हज़ारीबाग से हुई, फिर प्लस टू मेरा पटना विमेंस कॉलेज से हुआ, ग्रेजुएशन बीएन कॉलेज बायोटेक्नोलॉजी में किया मैंने, और पोस्ट ग्रेजुएशन मेरा जेएनयू से लाइफ साइंसेज में हुआ। इसके बाद मैं प्रिपरेशन में आ गई और यूपीएससी बीपीएससी दोनों की प्रिपरेशन मैं कर रही थी। 2013 में मेरा सिलेक्शन हुआ 53rd 55th बैच में और मुझे सब रजिस्ट्रार का पोस्ट मिला। स्टार्टिंग में मुझे भी पता नहीं था कि ये पोस्ट क्या है, इसमें क्या करना होता है, लेकिन ज्वाइनिंग के बाद कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में टीचर्स ने बताया था कि रैंकिंग कैसे कैसे होनी चाहिए। तो शुरुआत के रैंकिंग्स तो सबको पता होते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होता है, पुलिस सर्विसेज होते हैं, फिनांस सर्विसेज होते हैं, और बहुत सारी सर्विसेज के बारे में हम लोगों को पता नहीं था। बाद में जब ज्वाइनिंग होती है और जब निकलता है रिज़ल्ट और पोस्ट के रैंकिंग के हिसाब से हमें पोस्ट मिलता है, उसके बाद ही सर्विसेज को देख पाते हैं। तो इसलिए मैं कुछ अपने सर्विस के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। हमारी बिहार रजिस्ट्रेशन सर्विस जो है ये काफ़ी पुरानी सर्विस है। उप्स, इस रुकावट के लिए सॉरी, पर आपकी यूपीएससी की तैयारी में कोई बाधा ना आए, चाहे वो रिसोर्सेस की हो या सही गाइडेंस की। इसके लिए पिछले 5 साल से स्लीपी क्लासेस क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है अफोर्डेबल प्राइसेस पे। यूपीएससी कोचिंग में हमने एक भ्रम को तोड़ा है कि ओल्डेस्ट इज द बेस्ट या महंगा सबसे बेहतर है, और हमारी सैकड़ों सक्सेस स्टोरीज इस बात की गवाह हैं। तो आइए अपनी यूपीएससी की जर्नी शुरू कीजिए हमारे साथ, जुड़िए हमारे यूट्यूब चैनल पे और एनरोल कीजिए यूपीएससी 2022 और 23 के कोर्सेज के लिए हमारी ऐप पर। धन्यवाद। ये 1864 में जब कंपलसरी रजिस्ट्रेशन आया, तब से हमारा काम स्टार्ट हुआ। और एक्चुअली हमारा डिपार्टमेंट जो है इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 और रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, इससे गवर्न होता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना पुराना डिपार्टमेंट होगा। पहले ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट का पार्ट था। 91 में इसकी एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाई गई, जो अभी उसको प्रोहिबिशन एक्साइज एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के नाम से जाना जाता है। इसकी हायरार्की इस तरह की है कि अभी पूरे बिहार में 125 ऑफिसेज हैं, डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट मिलाकर करके, जिसमें कि इसकी जो लोकल यूनिट है वो सब डिवीजन लेवल पर है, जिसको हम लोग मुफस्सिल ऑफिस कहते हैं, और वहाँ पर सब रजिस्ट्रार पोस्टेड होते हैं। उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट सब रजिस्ट्रार होते हैं, जो कि हर एक जिला मुख्यालय में होते हैं। फिर उनके ऊपर प्रमंडल में AIGs होते हैं, और AIG के ऊपर DIG और फिर IG होते हैं। पॉलिटिकल हेड हमारे मिनिस्टर होते हैं, पर डिपार्टमेंटल हेड हमारे सेक्रेटरी होते हैं। तो ये हमारी हायरार्की है। इसमें प्रमोशन का भी काफ़ी अच्छा स्कोप है। शुरुआत में कुछ प्रॉब्लम्स थी, लेकिन हमारे सीनियर्स के मेहनत के बाद फिर अब प्रमोशन बिल्कुल स्मूथली होता है और काफ़ी ऊपर तक लोग जाते हैं। हमारे डिपार्टमेंट से IAS में भी लोग जाते हैं, क्योंकि एक पैरेलल यहाँ से भी गवर्नमेंट का प्रावधान है कि लोग IAS में जा सकते हैं। हमारा पोस्ट सब रजिस्ट्रार कहलाता है, लेकिन रजिस्ट्रार जो होते हैं वो जिला में DM होते हैं, वही हमारे डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार कहे जाते हैं। हमारा जो काम है सब रजिस्ट्रार का, वो ज़मीन मकान या फ्लैट इसका निबंधन करना होता है। जो भी लोग ज़मीन खरीदते हैं या बेचते हैं तो एक डीड रजिस्टर्ड कराते हैं, और वो हम लोग ही उसको रजिस्टर्ड करते हैं। इसके अलावा हमारा काम मैरिज ऑफिसर का भी होता है। स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत हम लोग मैरिज ऑफिसर कहे जाते हैं, जिसमें सोलेमनाइजेशन एंड रजिस्ट्रेशन दोनों काम होता है। सोलेमनाइजेशन जो है वो फ्रेश मैरिज करते हैं, और रजिस्ट्रेशन जो है शादी जिनकी हो चुकी है उनकी
मैरिज रजिस्टर्ड होती है। इसके साथ ही हमारा डिपार्टमेंट ये भी ध्यान रखता है कि जो ज़मीन विवाद है, एक्चुअली सोसाइटी में सबसे ज़्यादा विवाद जो है वो ज़मीन पर है, तो ज़मीन विवाद क्रिएट ही ना हो इसके लिए भी प्रावधान किया गया है। वो ये है कि जिनको भी ज़मीन ख़रीदना है वो अपनी ज़मीन, उनको जो पेपर मिला है उनके विक्रेता से, उस पेपर को आकर के ला करके वो ऑफिस में चेक कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, उस पर कोई ऋण लिया गया है या नहीं लिया गया है वो बैंक के थ्रू वो चेक करवा सकते हैं। तो ये सारे प्रावधान किए गए हैं हमारे डिपार्टमेंट के द्वारा। डीकेटी स्टेट पीसीएस। अगर आप केवल स्टेट पीसीएस के वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए डीकेटी स्टेट पीसीएस। यहां आपको राज्यों की लोक सेवा आयोग से जुड़ी परीक्षाओं के टॉपर्स के वीडियो अरेंज फॉर्मेट में मिल जाएंगे और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। कुछ लोगों का मानना है कि हमारा जो विभाग है इसमें वर्क प्रेशर कम है इसलिए ये अच्छा माना जाता है। एक्चुअली ये बहुत हद तक सही भी है। वो इसलिए सही है क्योंकि हमारा विभाग जो है वो सिस्टमेटाइज्ड है, डिसिप्लिन्ड है, हम लोग RTPS एक्ट के तहत बंधे हुए हैं, तो उसमें हर एक काम का एक निर्धारित समय सीमा निर्धारित की गई है। जैसे रजिस्ट्री करनी है तो उसके लिए 24 आवर का टाइम दिया गया है, उस 24 आवर में हमें रजिस्ट्री कर देनी है या वापस कर देना है उसको। वैसे ही डिलीवरी डॉक्यूमेंट की करनी है उसकी भी समय सीमा निर्धारित है, नकल या NEC सबकी समय सीमा निर्धारित है। तो हमारे पास जब हम अपना काम टाइम टू टाइम ख़त्म करते जाएंगे तो हमारे पास ऑब्वियस है कि वर्क प्रेशर उतना नहीं रहेगा। वो उस दिन का प्रेशर रहता है पर बाद के लिए लिंगर ऑन नहीं होता है। फाइल वर्क वैसा नहीं रहता है कि बहुत सारी फाइल पड़ी हुई हैं और हम लोग उसको पास ऑन करते जा रहे हैं। जो काम आज का है वो आज ही ख़त्म कर करके ऑफिस हम लोग बंद करते हैं। तो इस कारण से ये कहा जा सकता है कि हमारा वर्क प्रेशर कम है और इसलिए ये जॉब प्रोफाइल इसका बढ़िया बनता है। अब मैं अपना अनुभव उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहूँगी जो अभी भी तैयारी कर रहे हैं। मेरा उनसे यही कहना है कि तैयारी के 2-3 पहलू हैं, इसीलिए एक्चुअली जॉब की ट्रेनिंग प्रिपरेशन से ही स्टार्ट हो जाती है। हमें क्या याद करना है, किस में कॉन्सेप्ट डेवलप करना है या किस में अपनी पर्सनालिटी डेवलप करनी है। जैसे PT मेंस इंटरव्यू 3 पार्ट रखा गया, ये काफ़ी सोच समझ के रखा गया है। PT शायद हम याद करके निकाल सकते हैं लेकिन मेंस हम याद करके नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें कॉन्सेप्ट डेवलप करने की बहुत ज़रूरत होगी। स्पेशली स्टेट PCS में जब देखा जाए की बात हो तो UPSC का तो एक पैटर्न है, वो नेशनल इंटरनेशनल इस तरह से वो चीज़ों को पूछती है, लेकिन स्टेट PCS में एक पेपर होता है हर एक सब्जेक्ट में जो कि वहाँ के लोकल एरिया के बारे में क्वेश्चंस आते हैं, और उसको प्रिपेयर करना बहुत आसान भी कह सकते हैं और मुश्किल भी कह सकते हैं। जो वहाँ रह रहे हैं उनके लिए तो आसान होता है वो, लेकिन जो दिल्ली से प्रिपरेशन कर रहे हैं या जिनको अपने स्टेट के बारे में उतनी डेप्थ नॉलेज नहीं है उनको थोड़ी सी मुश्किल आती है। तो इस यहीं पर कॉन्सेप्ट काम आता है। यदि आपका कॉन्सेप्ट उस सब्जेक्ट में है, जैसे मेरा सब्जेक्ट ज्योग्राफी था तो एक ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट बना हुआ था, तो वहाँ उसमें वहाँ की मिट्टी, जलवायु या एग्रीकल्चर वहाँ का या कल्चर वहाँ का, तो वो यदि पता रहता है कि नॉर्थ में कैसा है, साउथ में कैसा है, ईस्ट में कैसा है, वेस्ट में कैसा है, तो उससे हम कोरिलेट कर करके हम उस मेंस के आंसर के क्वेश्चंस का आंसर बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, उससे आपके मार्क्स भी बढ़ेंगे। यदि आपका मार्क्स मेंस में अच्छा रहेगा तो इंटरव्यू थोड़ा बहुत नॉर्मल भी होता है या एवरेज मार्किंग हो जाती है तो काम चल जाता है हमारा। और वही इंटरव्यू का काम आता है, मैं एक्सप्रेशन देखते हैं कि आप कैसे अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं और आगे सर्विस में अपने आप को कैसे एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो मेरा यही कहना होगा कि आप PT मेंस और इंटरव्यू तीनों पे फोकस करें और साथ में सबसे ज़्यादा फोकस तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे होनी चाहिए। इनडेप्थ स्टडी होनी चाहिए, इनडेप्थ नॉलेज होना चाहिए। हम लोग रटने पर कम जोर दें और इस पर ज़्यादा जोर दें। पोस्ट कोई भी हो, जगह कोई भी हो, हम सीखते हैं हमारे सीनियर्स से ही, और साथ में एक हमारा टीम वर्क होता है। हमारे ऑफिस में भी वर्क कल्चर होता है, हमारे सहयोगी होते हैं, हमारे स्टाफ होते हैं, ऑपरेटर होते हैं, और रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में तो और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका यहाँ आना जाना होता है। तो सबका योगदान होता है हमारे काम को फुलफिल करने में, और इनफैक्ट ये डिपार्टमेंट ऐसा है कि इवॉल्विंग डिपार्टमेंट है, इवॉल्व ही करता जा रहा है और आगे भी करेगा। तो हमारे सीनियर्स का सहयोग हमेशा ही मिलता है। अभी भी कहीं पर भी हम लोग अटकते हैं तो अपने सीनियर्स से ही पूछते हैं,
और सभी अभी भी हमेशा ही सीखने का क्रम तो जारी ही रहता है। इसीलिए हम अपने साथी तैयारी करने वाले फ्रेंड्स को कहना चाहेंगे कि जो भी अपना जब वो रैंकिंग भरें, अपना चॉइस डाले, तो उसमें रजिस्ट्रेशन सर्विसेज को भी डाल सकते हैं। ये वन ऑफ द बेस्ट सर्विसेज में है, मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रह रहा है और मुझे विश्वास है कि बाकी लोग भी इसकी काफ़ी तारीफ़ करेंगे। आखिरी में मैं बीपीएससी के सभी तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं को अपनी ओर से शुभकामनाएँ देना चाहती हूँ। धन्यवाद।